Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to cover our lecture number 20. Before this lecture, we will just touch upon the previous lecture. In the previous lecture, we started covering the marketing mix. And marketing mix is basically the four P's. Four P's, as we know, that product, price, place, and promotion that a firm can control to meet the needs of customers within the target मार्केट जो भी मार्केट आपने सेलेक्ट की जाती है प्रोडक्ट क्या है प्राइसिंग प्लेस और प्रमोशन क्या है और बेसिकली हमने फोकस किया था प्रोडक्ट के ऊपर गुड सर्विसेज और आइडिया के वो जो भी चीज़ हो सकती है टेंजिबल इनटेंजिबल भी इसमें चीज़ें आ जाती हैं प्राइसिंग जो है ना कोई भी चीज़ उसमें डिसाइड करना है कि उसकी क्या प्राइस फिक्स हो सकती है तमाम फैक्टर्स को जेहन में रखते हुए आपका जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन को जेहन में रखना है और जर दूसरी तरफ ये कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं आप अपने प्रोडक्ट को आप ये नहीं कि कुछ चीज़ इतनी महंगी कर दें कि आपका जो कस्टमर है वो खरीद ही ना खरीदारी उसकी कर ही ना सके और वो मार्केट शेयर कम से कम हो जाए और आपके कस्टमर की परसेंटेज ओवरऑल कम हो जाए वो भी चीज़ अपने जेहन में रखनी है तो प्लेस है कि थिंग शुड बी अवेलेबल वेयर एवर कस्टमर इज देयर कन्वीनियंस उसकी मैक्सिमम हो टाइम फ्रेम पे अवेलेबल हो और फिर कस्टमर को बताया जाए कि आपके ये प्रोडक्ट अवेलेबल है वो कौन सा वाया मीडिया या तरीका अख्तियार किया जा सकता है जिसके उसको पता चल जाए ये चीज़ें थी जैसे प्रोडक्ट प्रमोशन प्राइस प्लेस पीपल ये हमने सारा टच किया था वे क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे ये होती हैं ये तमाम चीज़ों को हमने लेक्चर में डिटेल में चेक किया था टच किया था वे क्या चीज़ें हैं ये देन कंपोनेंट्स इसमें क्या हो सकते हैं हमने कंपोनेंट जो है इन्वायरमेंट्स की बात कर ली थी इसके जैसे पॉलिटिकल फोर्सेस लीगल है रेगुलेटरी है टेक्निकल है सोशो कल्चरल है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है वो कैसे इसके फर्क पड़ता है जैसे कस्टमर इज अ किंग कस्टमर किंग सब तो हैं और ये प्रोडक्ट जो फोर पीस उसके इर्द गिर्द घूमती हैं मार्केट के इन्वायरमेंट जो है ना उसके इर्द गिर्द घूमते हैं और बाकी फोर्सेज जो माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट भी उसके ऊपर किस तरह असरअंदाज होते हैं वैल्यू ड्रिवन की भी बात की थी कि वैल्यू ड्रिवन क्या है कस्टमर वैल्यू कस्टमर वैल्यू बेसिकली क्या है जी कस्टमर को बेनिफिट पहुंचाने वाली बात है कस्टमर को बेनिफिट उस वक्त पहुंच सकता है कि कस्टमर को बेनिफिट ये पहुंचेगा कि कस्टमर की कॉस्ट और कस्टमर जो वो चाहता है उसको वो चीज़ मिल जाए और उसके लिए उसको कुछ पे करना पड़ता है पे क्या करना पड़ता है उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसको क्या है किसी शेप में भी कॉस्ट हो सकती है बार्टर सिस्टम भी इवन हो सकता है गुड्स और सर्विसेज क्या है गुड्स क्या है टेंजिबल जो चीज़ हम टच कर सकते हैं वो कोड्स में आ जाती है और इनटेंजिबल जो टच नहीं कर सकते मैंने एग्जांपल दी थी कि अपने लेक्चर की आई एम टीचिंग यू एंड आई एम सेलिंग यू माय प्रोडक्ट इन द शेप ऑफ माय लेक्चर एंड यू आर माय कस्टमर तो ये इनटेंजिबल चीज़ है और इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि सेम टाइम पे आप दोनों चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं पेरिशेबल आइटम में सेम टाइम पे हो रहे हैं लेकिन जो टेंजिबल चीज़ है वो पेरिशेबल नहीं है वो चीज़ खरीदते हैं बाद में उसको कंज्यूम किया जाता है लेवल्स की बात कर लेती physical services, ideas, people, places, anything tangible and tangible that brought the exchange processes, etc. product ko hum particularly dekha tha. Classification of product, how long the product will last, kitni der wo ek product last karegi, chalti rahegi, tangible hai to aapko istemal mein aap cheez ko la rahe hain to wo kitni der wo cheez chalegi depend karta hai uske cheez ke upar और कई एक जो इनटेंजिबल है एक चीज़ पर क्या जो सर्विसेज हैं हो सकता है कुछ अरसे बाद आप भूल जाएं वो जो भी सीखा है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर आपकी मेमोरी के ऊपर भी डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप पूछाते क्या देन है जी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आ जाती है ड्यूरेबल गुड्स में कार फर्नीचर ये वो और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट कैसे हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन करना पड़ता है ऐसे लो लेवल पर डिसीजन करना पड़ता है भाजी अखबार है तो ले लो खाना तो खा लो कुछ भी ऐसे लेकिन ये परमानेंट टाइप जो चीज़ होती है ड्यूरेबल और पक्की चीज़ ज़ाया होने वाली नहीं होती है उनके लिए आप डिसीजन ज़्यादा डिटेल में करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट में हमने ये भी टच किया था कि क्या है कंज्यूमर प्रोडक्ट में कन्वीनियंस को शॉपिंग को स्पेशलिटी ऑन सॉर्ट और ये प्रोडक्ट इन तमाम फैक्टर को इस तरफ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे और एक्सेस पर रखकर दोनों को आपस में देखा था कि क्या उसके आपस में किस ग्रेड पे पहुँचते हैं देन ये फर्दर एग्जांपल्स की बात आ गई कि कैसे होती हैं कि क्रिमिनल्स को लो प्राइस होती है एक फैक्टर को हम ले ये कि कंपेरेटिवली उसे महंगी चीज़ हो जाती है शॉपिंग प्रोडक्ट पर लेस फ्रीक्वेंसी स्पेशलिटी जो है ना वो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स के वो मतलब होती है अनसॉर्ट जो है ना
जिसके हम यूजुअली डिस्कस करना पसंद नहीं करते, जैसे फनरल टाइप आ गए, बहुत हो जाता है तो अपने कफन की बातें भी कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स में मटेरियल कैपिटल सप्लाईज की बात हमने कर दी थी, इसमें ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रियल गुड्स इसको भी हमने टच किया था। और आज हम कंटिन्यू विद दी प्रोडक्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिजाइन जो अब आपने करने होते हैं, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स को देखना है, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग के लेवल है, लेबलिंग है एंड प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज है। आपने आपने देखना है वो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, क्या क्या उसके अंदर फीचर है या उसके क्या फसलें हैं, उसके अंदर क्या है, उसके देखने में क्या चीज़, उसका ब्रांड कौन सा है, पैकिंग उसकी कैसी है, उसके ऊपर लेबलिंग की हुई मार्किंग टाइप जो रीडिंग लिखा लगाया होता है वो उसकी डिटेल लिखी होती है वो उसके अंदर है कि नहीं है, और प्रोडक्ट के उसके बाद में बाद डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर आफ्टर सेल सर्विस की उसको जिधर जरूरत हो सकती है वो है, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, कोई इवन एसी हो सकता है, कोई आप घर की जो मेन इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें ये होंगे जी आपको आफ्टर सेल सर्विस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी चीज़ जो महंगी या आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ खरीदते हैं यूजली आप टेक्निकल एंगल से देखना पड़ता है या देखना चाहिए, तो उसको अगर आप बेचना चाहें तो वो चीज़ कैसे आपकी बिकेगी वो जेन में रखते हुए आप सर बेचना ये खराब हो जाए तो उसको कैसे रिपेयर उसका क्या होगा, रिपेयर के एंगल से वो चीज़ें क्या उसकी स्पार्ट्स मिल जाएंगे कि ये कि नहीं मिलेंगे, ये भी आजकल देखा जाता है। इसलिए जो मेन कंपनी है कारों की अगला एग्जांपल दें, देखिए सुजुकी है, टोयोटा है, होंडा है, व्हाई दे आर मोर सक्सेसफुल, बिकॉज इसके पार्ट्स और इसके मिस्त्री या मैकेनिक हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से ये प्रोडक्ट जो ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान में ज़्यादा चल रही है क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज ज़्यादा अवेलेबल है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। लेकिन इस केस के दूसरे केस में कोई आप नई किस्म की कार ले लेते हैं जिसका इधर मैकेनिक अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली फिर तो वो आपको जो स्पेसिफिक उसके शोरूम्स हैं आउटलेट्स हैं उधर ही आप जाएंगे तो आपको ठीक हो सकती चीज़, अदरवाइज यू विल फेस दी प्रॉब्लम्स। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट होता क्या है, डेवलपिंग द प्रोडक्ट सर्विस इन्वॉल्विंग डिफाइनिंग द बेनिफिट दैट इट ऑफर्स, आपने उसके फायदे देखने हैं कि उसके प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं, ठीक है। अरे कम्युनिकेट ने और ये आपने कम्युनिकेट करते हैं उसके फायदे जो भी हैं जिसमें उसकी क्वालिटी के बारे में हो सकते हैं, फर्दर फीचर हो सकते हैं, स्टाइल डिज़ाइन, इवन कपड़ों का जोड़ा भी हो सकता है, शूज़ भी हो सकते हैं, ज्वेलरी भी हो सकती है, गोल्ड की भी है, डायमंड की भी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, आप फर्ज किया मेकअप के आइटम्स हो सकते हैं, कोई भी एनीथिंग, तो आप उसको देखते देखते हैं उसके एट्रीब्यूट्स हैं क्या, उसको देखते हुए आपको वो चीज़ अट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, समथिंग न्यू दे विल ट्राई। ब्रांडिंग किसको कहते हैं, नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और कम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज, ठीक इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विस, उसके आइडेंटिफाई करने में एक ब्रांडिंग में वो एक अगर रोल अदा कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज कंपटीटर, उसका जो फर्क नजर आता है, फर्ज कहें जी खाड़ी है जी, वारदा है जी, निशात लीले ने, पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। और जितने भी आप चले जाएं किसी मेन मॉल में तो 3600 किस्म के आपको ब्रांड नजर आएंगे, तो वो जो एक है दूसरे से कुछ डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, बेहतर करने की जो इक्विटी है कि ब्रांड इक्विटी में आ जाते हैं, ब्रांड इमेज है, ब्रांड आइडेंटिटी उसकी क्या है, अवेयरनेस के बारे में, परसेप्शन, लॉयल्टी है, सोशल लॉयल्टी, एक चीज़ को अगर टच करें लॉयल्टी ये है कि आपने एक दफ़ा वो ब्रांड की चीज़ खरीदते हैं नेक्स्ट टाइम भी आप उसी ब्रांड की चीज़ खरीदते हैं, तो ये इसको लॉयल्टी कहते हैं। आप उस ब्रांड से फिर भागते नहीं हैं, आप उस वक्त ही नहीं भागेंगे जब आपको वो ब्रांड वो तमाम एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर रहा है, तमाम करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स आपको जो रिक्वायर्ड लेवल के वो प्रोवाइड कर रहा है जो आप चाहते हैं, और उसमें कोई दो नंबरी वाली बात नहीं, अगर होगी तो नेक्स्ट टाइम आप उस तरफ नहीं जाएंगे। इसको फर्दर डिफाइन करते हैं, इक्विटी क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ए ब्रांड, value of a brand based on the extent to which it has a high brand loyalty, जैसे मैं पहले explain की इसके loyalty है उसके creating, वह उसके नाम है, name, awareness, perceived quality, strong brand associations and other assets etc, ability to create, maintain and protect and enhance brands, वो उसमें ज़्यादा फसलत होनी चाहिए। अच्छा जी, then measuring the actual equity of the brand name is difficult to, उसमें ज़्यादा वो चीज़ आ जाएगी। एडवांटेजेस उसके क्या आते हैं, हाई कंज्यूमर अवेयरनेस, जो आपका ब्रांड उसके अवेयरनेस जो है ना वो ज़्यादा होगी, और उस जो दूसरे ने पेरिसिंग इफेक्ट नहीं होगा, कस्टमर की इक्विटी टेंड टू एड मार्केटिंग प्लानिंग, लॉयल कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी बेसिकली इसको समझने वाली बात है कि
वो आपको लाइफ टाइम कस्टमर बन जाते हैं। अक्सर आप देखने घी के हम एग्जांपल देते हैं, छोटे उद्योग का जी डालडा घी जी, वो उससे उससे भी अच्छे भी हो सकता है कि बहुत से घी की ब्रांड्स हों अवेलेबल, लेकिन एक एतमाद बन गया लोगों का जी वो जी डालडा ही लेना है, डालडा ही अच्छा है। तो इस तरह कोई भी चीज़ हो सकती है, खाने पीने के में चीज़ों की हो सकती है। कहने जी हाँ जी खाना जी ये जो मैकडोनल्ड के जो बर्गर है जिन्हें बहुत सबसे अच्छा होता है जी, वो दो नंबरी नहीं होती बिल्कुल, उनकी तमाम चीज़ जेन्युइन अच्छे से फ्रेश और हाइजेनिकली सारा कुछ बड़ा अच्छा होता है। कई बात कर एक चीज़ के साथ अगर टैग कर लिया जाए कि इनकी जो भी चीज़ खाने पीने की वो हाइजेनिकली बहुत अच्छी है। आप देखें किसी भी फोर स्टार होटल में चले, फोर स्टार फाइव स्टार सेवन स्टार इवन किसी भी होटल में जाते हैं तो मेन चीज़ कहते हैं जो ISO सर्टिफाइड भी होते हैं और उनकी चीज़ें महंगी होती हैं। महंगी इसलिए होती हैं कि उनका जो प्रोसेस है और ऑफ कुकिंग किचन है और उनके बर्तन हैं उनके इन्वायरमेंट हैं वो बहुत नीट क्लीन और A1 होते हैं, अनहाइजेनिकली नहीं होते और हर चीज़ हाइजेनिकली बिल्कुल A1 और स्पिक एंड स्पैन होती है, जिसकी वजह से लोग जो ना उधर जाते हैं। और ज़ाहिर भी जो चीज़ बाजार में नॉर्मल किसी जगह से हो सकता है वो आप 500 में खा लेंगे, उधर आपको 2,500 रुपया 2,500 से 3,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप देते हैं क्योंकि उधर के जो एनवायरमेंट्स हैं उनका आपको पता है कि उनका खाना जो है ना A1 कोई दोन पर नहीं गड़बड़ नहीं होगी, वेल कुक भी होगा, फ्रेश खाना सामने पक रहा होगा, सामने आपको पेश भी करेंगे। तो वो चीज़ें फिर होती हैं कि नेक्स्ट टाइम आप उधर भी जाते हैं। पैसा अपनी जगह डिपेंड करता है आपकी आपकी प्रायोरिटी क्या, पैसा प्रायोरिटी है आपकी या आपकी क्वालिटी जो है ना वो प्रायोरिटी है। ब्रांड ये जैसे अभी हम एग्जांपल के तौर पे ये अभी आ गया जी ये ब्रांड जैसे एप्पल है ठीक है, ये नाइकी वाले आ गए, लॉरेल वाले ये आ गए, ये अभी समझने के लिए कि ब्रांड जो है ना वो नज़र के आता है क्या चीज़ होती है ब्रांड। टैग लाइन थिंक डिफरेंटली जस्ट डू इट बिकॉज यू आर वर्थ इट ठीक है। अभी इसके उसके टैग लाइन है फीलिंग द ब्रांड इंस्पायर्स डोंट फॉलो द क्राउड बी ए ट्रेंड सेटर बी न्यू फ्रेश, ये उसका एक फीलिंग देते हैं, बी एनर्जाइज्ड यू कैन अचीव एनीथिंग। अभी देखना जॉगर लेने नाइकी के आप जॉगर लेने जाएं आप देखो कितने के मिलेंगे, आप 20-30-40 हज़ार के वो जॉगर आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा फर्ज के मेडिकेटेड या अच्छे वाले जॉगर हैं और आपको वो स्टार्ट ही 20 हज़ार से नीचे से स्टार्ट भी नहीं होते। तो अब डिपेंड करते हैं ना सर, देखो उसका नाम है लेके जी नाइकी के जी, इसलिए जी वो आप महंगे भी पहन रहे हैं। एप्पल की चीज़ें भी सस्ती नहीं है, महंगी चीज़ें होती हैं, तो वो जो आईफोन वगैरह जो खास तौर पे आता है तो, लेकिन वो डिपेंड करता है उनका ब्रांड का एक नाम है, उनकी एक स्पेशलिटी है कि जो वो यूज करते हैं। और लव एंड पैम्पर योर स्पेशल लॉरेल के बेसिकली इसके क्या चीज़ें हैं, ये कॉस्मेटिक्स है चीज़ें इसकी ज़्यादा। अभी एक ब्रांड पोजिशनिंग क्या है, एट्रीब्यूट बेनिफिट एंड बिलीव्स आ गए, नेम में सिलेक्शन प्रोटेक्शन आ गई, ब्रांड का नाम तो होगा ना जैसे वो नाइकी एटसेट्रा आ गया था, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, मैन्युफैक्चरर ब्रांड, प्राइवेट ब्रांड लाइसेंसिंग, को ब्रांडिंग, ब्रांडिंग डिपार्टमेंट, लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड, न्यू ब्रांड जैसे एक्सटेंशन में आ जाती हैं। इंडिविजुअल ब्रांडिंग में जैसे अभी देखो ना इंडिविजुअल ब्रांडिंग आप एग्जाम्पल देखा कोको कोला जी इसको नजर आ रहा है, डाइट कोक है, मेलो येलो कोई भी हो सकती है, पावर एड डसानी है, मिंट है, और ये सारी अम्ब्रेला ब्रांडिंग द वर्जन ग्रुप जो हो गए, वर्जन मेगा स्टोर उसके आगे वर्जन अटलांटिक, ये क्योंकि एक ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ठीक है। अम्ब्रेला यानी एक किस्म का छत क्रिएट हो जाना किसी चीज का, उस एंगल से वो चीजें आई थी। वर्जन रिटेल दी एक उसका नाम है वर्जन, और उसकी आगे फर्दर वो ब्रांडिंग हो सकता है। फर्ज किया एक कंपनी है वो मुख्तलिफ किस्म के स्टोर्स हैं वो बना रही है, स्टोर्स उसके हैं और उसके स्टोर्स के सब उसके जो चीजें हैं वो बेच रहे, मुख्तलिफ किस्म की चीजें एक एक स्टोर में बेच रहे हैं, तो वो एक सब ब्रांड भी हो सकता है उसके अंदर, और वो अम्ब्रेला ब्रांडिंग के नाम में तरह जो इट्स हु यू आर एंड वट यू स्टैंड फॉर, कह जी ब्रांड कह जी हु यू आर आप कौन हो एंड वट यू स्टैंड फॉर, आप स्टैंड फॉर किससे करते हो, ये एब्रीवेशन भी किसी की जो होती है उसको एक्सप्लेनेशन में चीज़ें भी आ जाती हैं। ये है जी अब CNN से केबल न्यूज नेटवर्क बनता है और DIY ब्रेवो और ट्रेवल चैनल एकाई के बीले को पत्नी KY कहते हैं कि ऐसे नहीं, आज नॉगेंस है
न्यूज साइंस नेटवर्क है, सीएनबीसी है, तो वो ये तमाम एक एक ब्रांड का नाम भी और इसमें एक्सप्लेन भी करे भी है क्या आपको तो समझना, आप गूगल करेंगे तो और वैसे भी आपको पता चलता है डिस्कवरी सेंसेस एटसेट्रा अनदर टाइप ऑफ ब्रांड है, बीएमडब्ल्यू कार है, ठीक है उसकी बात आ गई, तो ESPN है ये स्पोर्ट्स चैनल है, तो वो ब्रांडिंग में आप स्पोर्ट्स चैनल की बात, टिम्बरलैंड है आप देख अक्सर बाजार में इसकी शॉप्स भी आपको मिलती हैं। गुड ब्रांड नेम क्या है, सजेस्ट समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट आर इट्स बेनिफिट, जो ना ऑटोमेटिकली वो अपने आप को एक्सप्लेन कर दे प्रोडक्ट और बेनिफिट को, आपने प्रोडक्ट और उसके बेनिफिट को ऑटोमेटिक एक्सप्लेन कर दें। ईजी टू से रिकग्नाइज रिमेंबर, मतलब एप्पल वेरी इजी टू से, नाइकी वेरी इजी टू से, ठीक है आप कह रहे हैं होंडा जी, टोयोटा जी, सुजुकी जी, ठीक है इस तरह कोई और ब्रांड है जी, अब कपड़े के ब्रांड में तमाम आप लोगों को पता ही कि वो तमाम के नाम किए जा सकते हैं, तो वो सारी डिस्टिंक्टिव होने के लिए वखरा टाइप होना चाहिए, एक्सटेंडेबल होना चाहिए, ट्रांसलेट वेल इन टू अदर लैंग्वेजेस। अब ये नहीं कि आप लोकल लैंग्वेज में कोई इधर की चीज़ आप बनाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे उसको फिर मुश्किल हो जाएगा रिकग्नाइज करना, इंग्लिश की बात और है, वो चीज़ें चलती हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ब्रांड है उसकी बात ऑलरेडी रिकग्नाइज इन दैट पर्टिकुलर मार्केट, वैसे चाइना का कोई चीज ब्रांड है तो चाइना की अपनी इतनी बड़ी मार्केट है वो कोई भी नाम देंगे तो वो इवन वर्ल्ड लेवल पे भी वो चलती है। ठीक है FAW जैसे अभी एक गाड़ियाँ चाइनीज गाड़ियाँ FAW FAW है, तो वो उसका नाम उधर की और शायद हो लेकिन इधर वो उसका नाम चलता है, तो बेसिकली एक ब्रांड नेम इजी और सारा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन द ब्रांड नेम अगेन वही है, दैट शुड बी सजेस्ट समथिंग अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में वो चीज़ बताए कि प्रोडक्ट का नाम ऑटोमेटिकली इजी टू प्रोनाउंस रिकग्नाइज एंड रिमेंबर, डिस्टिंक्ट वक्रा टाइप होना चाहिए, ट्रांसलेट इज फॉरेन लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज में अगर है जरूरत है तो ट्रांसलेट भी हो सकता हो, तो वो एक एक जो नाम रखते हुए ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग स्पॉन्सरशिप ऑप्शन ब्रांडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड और नेशनल ब्रांड इज द ब्रांड क्रिएटेड एंड ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस, एग्जांपल इंक्लूड IBM एंड केलॉग एटसेट्रा, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड इन मैन्युफैक्चर, देखें IBM एक नाम है ना तो उसकी बात करें, प्राइवेट ब्रांड मिडल मैन डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर, स्टोर ब्रांड इज अ ब्रांड क्रिएटेड एंड ओन्ड बाय रीसेलर आर प्रोडक्ट आर सर्विस, कोई भी लाइसेंस्ड ब्रांड कंपनी सेल्स इट्स आउटपुट अंडर अनदर ब्रांड नेम, तो लाइसेंस जैसे फ्रेंचाइज टाइप भी होती है उसको लाइसेंस मिला होता है वो सर्व करते हैं, को ब्रांडिंग भी हो सकती है व्हेन टू कंपनीज गो टुगेदर एंड मैन्युफैक्चर वन, जैसे सोनी एरिक्सन की हम बात करते हैं, सोनी अलग थी एरिक्सन अलग थी, दोनों इकट्ठी हो गई थी को ब्रांडिंग हो गई, जनरल मिल जनरल हर्षे मेक ट्रेसी पीनट बटर पफ एक्सेट्रा उन्होंने मिल के उन्होंने ब्रांडिंग की अपने, तो उन्होंने कंबाइंड ब्रांड ब्रांड्स ब्रांडिंग, कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लाइसेंसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स उसमें डिफिकल्ट होती हैं, ट्रस्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चाहिए होता है वो उसमें कंबाइंड कर लिए जाते हैं ब्रांडिंग को। देन ये ब्रांड स्पॉन्सरशिप में जस्ट एन एग्जांपल, तो प्राइवेट ब्रांड स्टोर ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड अभी मैन्युफैक्चर ब्रांड या नेचुरल ब्रांड, थोड़ा सा कंडेंस करके सिंपल वर्ड्स में बताया, तो ब्रांड नेम इज लाइसेंस टू अदर प्रोडक्ट, ये अगर ये एग्जांपल दी है को ब्रांड टू एस्टैब्लिश ब्रांड, दो ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं और उनको को ब्रांडिंग डिफरेंट कंपनी ने यूज द सेम प्रोडक्ट उसमें इकट्ठा करके डाल दिया जाता है, सोनी एरिक्सन की मैंने एग्जांपल दी। देन इंट्रोड्यूस लाइन एक्सटेंशन, वो एक में बीच में स्लाइड दिखाई थी उसके राइट बॉटम कॉर्नर पे आप एक दिया था लाइन एक्सटेंशन और तीन चार पॉइंट थे, लाइन एक्सटेंशन के एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम्स आर एक्सटेंडेड टू न्यू फॉर्म साइज एंड फ्लेवर ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी, और उसमें क्या चीज़ था मीट कंज्यूमर डिजायर फॉर वरायटी, उसमें एक किस्म की वरायटी क्रिएट हो जाती है, मीट एक्सेस मैनुफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और जो दिन सिंपली कमांड एंड शेल्फ स्पेस रिस्क में इसमें आ जाता है, ओवर एक्सटेंडेड ब्रांड माइट लूज इट्स स्पेसिफिक मीनिंग, जैसे मैं चाय की एग्जांपल देता होता हूँ तो वो चाय का एक ब्रांड है, उन्होंने उसमें डिफरेंट फ्लेयर कर फ्लेवर डाल के एक नया ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश की तो वो लोगों ने नहीं खरीदा, ठीक है तो वो उल्टा उनको वो चीज़ उनकी उसी तरह की उसी तरह ही रहेगी नहीं बिक सकी, तो उसको That is an ideal example of line extension. उन्होंने चाय को एक different flavor डाल के उनको बेचने की कोशिश की, for that they could not successful.
could not succeed. Achha, can cause consumer frustration and confusion bhi create ho sakta hai ki yaar ye kya cheez hai, wo pati ke andar koi gadbad kar di, milavat kar di, is tarah se samjhna shuru kar dete hain log. Achha ji, introduce brand extension. Ye tha line extension, ye brand extension. Existing brand names are extended to a new or modified product strategies. Help a company enter new product categories. And iske ke brand extension ek nayi ek product ka naam ke taur pe aa jati hai. Aid in new product recognition, saves on high advertisement cost, uske naam pe uska bhi aapko fayda ho jata hai. Then introduce multi branding, new brand names are introduced in the same product category. जिसमें ये आता है कि फाइटर ब्रांड टू प्रोटेक्ट द मेजर ब्रांड फ्लैकर और फाइटर ब्रांड दे गेन मोर शेल्फ स्पेस. कल शेल्फ स्पेस का मतलब यह है, आपको पता है शेल्फ स्पेस का क्या मतलब है? हाँ जी, नहीं बड़ी शेल्फ स्पेस का क्या मतलब बनता है? ओके, शेल्फ स्पेस ये कि जब वो आप किसी स्टोर में जाए, मुख्तलिफ शेल्फ बने होते हैं, आप उन शेल्फ पे फ्रंट पे शेल्फ लगे होते हैं, मैक्सिमम स्पेस वो आपका ब्रांड ले, मैक्सिमम शेल्फ के अंदर आपकी वो प्रोडक्ट पड़ी हो, नहीं इस तरह का उसको होना चाहिए. तो फिर देने के ड्रॉबैक इसमें होते, ईच ब्रांड में ओनली ऑब्टेन अ स्मॉल मार्केट शेयर, ओवरऑल उसका स्मॉल मार्केट शेयर उसको सिर्फ मिलेगा उस ब्रांड पे, ये भी उसका मसला सर होता है. देन जी इंट्रोड्यूस न्यू ब्रांड, नया ब्रांड आपने क्रिएट कर दिया. Is new categories जिसमें आते हैं, help move away from the brand that is failing, जो भी फेल हो रहा था उसे आप पीछे हट देते हैं. Can get new brands in new categories by corporating acquisitions. Some companies are now pursuing mega brand strategies. इसकी बेस पे आए थे spreading sources too thin, उसमें ये problems भी आ सकती हैं. ये अब ये आ गई है जो मैंने चारों points बताए थे. इसमें product category आप ये अब देखिए, existing आपकी क्या ही प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग ही ब्रांड नेम है, तो इसको कहते हैं लाइन एक्सटेंशन. अभी एग्जिस्टिंग प्लस न्यू ब्रांड नेम, इसको मल्टी ब्रांडिंग कहते हैं. और न्यू प्लस आपकी ये एग्जिस्टिंग में आ जाएंगे, न्यू क्या है जी, प्रोडक्ट कैटेगरी न्यू है, ठीक है, और ये ब्रांड एक्सटेंशन आ गया. अभी प्रोडक्ट न्यू है और न्यू ब्रांड, और दोनों तरफ से न्यू आपका एड हो गया, दोनों तरफ से कि आपका न्यू, वो भी न्यू और ये भी न्यू, तो दोनों तरफ से आपके न्यू आइटम आ गए इधर आपकी ये चीज, ठीक है. इसको इस तरह आप इस ग्रिड का ये आसान ये फायदा होता है कि आप बड़े आसानी से चीजों को समझ लेते हैं और आसानी से क्लैरिटी आ जाती है आपको चीजों. अच्छा जी, पैकिंग क्या है आप देख रहे हैं, ये जैसे टूथपेस्ट है इसके ऊपर पैकिंग है, पेस्ट इसके अंदर है, पेस्ट इसके टूथपेस्ट इसके अंदर है और ये उसकी पैकिंग है. Activity of designing and producing the container or wrapper for जी container और wrapper जो है ना, ये pack कर दिए गए, इसके right जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उसका जिक्र नहीं, container और writer used to just contain and protect the product, उस product को उसके अंदर contain करना और protect करना, उसके अंदर paste है वो एक special एक tube के अंदर वो आ गई, तो वो एक उसके अंदर protect भी हो गई, उसके अंदर रोक भी गई. पैकिंग का फायदा क्या है? पैकिंग एंड लेबल कैन बी यूज्ड बाय मार्केटर टू इनकरेज पोटेंशियल बायर टू परचेज द प्रोडक्ट. ग्राफिक डिजाइन, फिजिकल डिजाइन हैव टू बी इंपॉर्टेंट, जैसे चिप्स और बिस्किट, ये पैकिंग है. आप इसके ये रैपर है ना, इसकी हम सिर्फ बात कर राइटिंग की बात कर रहे हैं, राइटिंग विद मार्किंग में दूसरे में आ जाएगी. डिजाइन रिप्रोड्यूस द कंटेनर रैपर, वो चीज आ गई. लेबलिंग, वो जो राइटिंग शेटरिंग ये वो लेबल शेबल लग रहे हैं वो भी हम बात करेंगे. अभी पर्पज ऑफ द ब्रांडिंग इज टू मैसिव एसेट है, प्रमोशनल टूल है, वेपन टू प्रोटेक्ट मार्केट है, ब्रांड इज एंटीडोट फॉर मिडिल मैन सर्वाइवल है, ब्रांड इज अ मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कस्टमर है, ये उसमें आए थे. एडवांटेजेस ऑफ लेबलिंग क्या है? लेबलिंग करने के फायदे क्या है? प्रोवाइड्स आइडेंटिफिकेशन, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन, मेक प्रोडक्ट कंपेरिजन ईजी, हेल्प इन मार्केटिंग, मेक प्रोडक्ट्स गार्डन ग्रेडिंग इजी. लेबलिंग का फायदा यानी बेसिकली है कि आप जितनी भी उसको लेबलिंग कर लेते हैं, लेबल लगा लेते हैं, उसका फायदा क्या है? एक आइडेंटिफाई हो जाती है, उसकी कंप्लीट डिटेल उसमें आ जाती है. ज़ाहिर ऑटोमेटिक मार्केटिंग भी हो सकती है, आप चीट भी नहीं करवा कर सकते, वो भी नहीं कर सकता. टाइप ऑफ लेबलिंग है, ब्रांड लेबलिंग, जैसे ये हुंडा का ये ब्रांड लेबलिंग है उसका हुंडा, ठीक है. ट्रेडमार्क और लोगो, डिस्क्रिप्टिव प्रोडक्ट यूज, कंस्ट्रक्शन, केयर, परफॉर्मेंस,
डिपेंड करता है, उसको डिस्क्राइब कर देते हैं किसके रिलेटेड है। ग्रेड लेबलिंग द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी वो कहते हैं ग्रेड डबल ए है, ग्रेड बी है, तो वो भी उसके ऊपर आ जाती है आपकी, इसके अंदर आपकी लेबलिंग के अंदर आ जाती है। ऐसे कोकोला है, ये डिफरेंट किस्म की आपने राइटिंग लेबलिंग की हुई है, ब्रांड नेम इसका ये आ गया, ठीक है, और ये उसकी सारी लेबलिंग आ गई, सारी डिटेल सब चीज उसके अंदर आ जाती। अच्छा, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन अपीयरिंग ऑन विद द पैकिंग, यानी जो लेबलिंग की हम बात करते हैं, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन जितनी हो उसके ऊपर आई थी। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज क्या है, कंपनी शुड डिजाइन इट्स सपोर्ट सर्विसेज टू प्रॉफिटेबिलिटी मीट द नीड ऑफ टारगेट कस्टमर्स एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी आपके सपोर्ट जॉब तो कहते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज वाली बात भी आ जाती है कि आपको क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि चीज़ भेज दी और आप बिल्कुल बेजारों मददगार हो गए, उनके नई चीज़ हमने आप बेची है, मसला मसाइल है तो हमसे रब्ता करें, हम उसको ठीक भी करेंगे अगर गड़बड़ होगी, रिप्लेस भी कर देंगे अगर कोई मसला फेस हुआ। कैसे होगी, स्टेप वन है जी, सर्वे कस्टमर टू असेस द वैल्यू ऑफ द करंट सर्विसेज, आप देखें आप भी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप असेस करें और उससे उनसे आइडियाज लें, उसके बाद असेस कास्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डिजायर सर्विस, अभी आप देखें कि वो जो चाहते हैं न्यू सर्विस जो चाहते हैं उसकी कास्ट वर्कआउट कर लें, देन वेल पैकेज ऑफ सर्विसेज टू डिलाइट कस्टमर्स, एंड अभी ये कि जब फिर आपने उसका पैकेज बनाना है, वर्किंग कर लेनी है कि क्या उसका जो चाहते क्या थे वो नए कस्टमर, उसको चाहते फर्दर क्या सर्विसेज चाहते हैं, तो उसको जो ना उस पैकेज का हिस्सा बना लेते हैं सर्विसेज को, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज कोई भी हो सकती है जी, फील्ड मैनेजमेंट सर्विसेज हो सकती है, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, इंटरप्राइज सर्विसेज, स्टोरेज एंड टेप लाइब्रेरी कुछ हो सकता है, प्रिंटर सर्विसेज है, चिप लेवल रिपेयर है, आरएमएल लॉजिस्टिक एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट कोई भी हो सकता है। तो ये कोई किसी भी प्रोडक्ट कोई सपोर्ट के लिए किसी किस्म की उस प्रोडक्ट के लिहाज से वो सर्विसेज हो सकती है, टेक्निकल सर्विसेज होते हैं, प्रोडक्शन सपोर्ट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, इंस्टॉलेशन एंड डेवलपमेंट है, टेक्निकल हेल्पलाइन है, एंड प्रोफेशनल सर्विसेज है, कुछ भी ये चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। और दैट्स अबाउट ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट शेयरिंग, एंड वी बेसिकली कवर्ड टुडे द प्रोडक्ट और इंडिविजुअल प्रोडक्ट सीन क्या है, प्रोडक्ट को है और प्रोडक्ट फर्दर भी हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में भी चलते रहेंगे, रमजान है इसलिए पार्टिसिपेंट शायद कोई इतने नहीं आ सके, लेकिन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, और जो लेक्चर सुनता है और जो नहीं सुनता है डेफिनेटली उसके जो एफिशिएंसी लेवल का फर्क पड़ता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।